हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी है। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं गोल चेहरे पे किस तरीके की हेयर स्टाइल करनी चाहिए। तो अगर आपका राउंड फेस है तो आज हम लोग गोल चेहरे की बात करने वाले। वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि किस तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिलना हो। वीडियो कर दीजिए लाइक, और जिसका भी राउंड फेस है उसको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और लॉन्ग फेस वालों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वो उसमें किसी को तो जानते ही होंगे जिसके फेस का शेप राउंड हो। तो चलिए बताते हैं। तो अगर आपका राउंड फेस है, सबसे पहले जैसे मैंने किया हुआ है, इस तरीके से बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि राउंड फेस पे ये और भी ज़्यादा आपका फेस जो है, अगर इस तरीके से फ्लैट लुक रखते हो तो बहुत ज़्यादा उभर के आएगा। राउंड फेस का जो चिक होता है बहुत हैवी टाइप का होता है, तो वो और भी ज़्यादा फ्लैट लगेगा। तो अगर आपको राउंड फेस पे बीच की मांग निकालनी है, तो सबसे पहले आप अच्छे से बॉन कर दीजिए, और थोड़ा सा अपने बैंग इस तरीके से जाने जैसे मैंने कट किए हैं इस टाइप से कट कर दीजिए। उसके बाद आप इस तरीके से अपना रखोगे तो क्या होगा कि आपका जो फेस है वो थोड़ा सा आपका घोड़े जैसे कट हो जाएगा, जिससे कि आपका राउंड फेस पूरा हैवी नहीं लगेगा एंड राउंड नहीं लगेगा, काफ़ी अच्छा लुक आएगा। सेकेंड स्टेप में आप हम लोग बात करेंगे, अगर आपका राउंड फेस है तब कोशिश कीजिए कि आप बीच की मांग ना करें। बीच की मांग अगर करके वो थोड़ा सा पफ डाले बालों में, एंड साइड की पार्टीशन कीजिए। साइड की पार्टीशन से आपकी जो राउंड फेस का कट है वो काफ़ी हद तक ठीक होगा। इस तरीके से आपको साइड पार्टीशन रखना है, और इस तरीके से करिए तो काफ़ी अच्छा लुक आएगा आपके बालों में, आपके फेस पे। इस तरीके से अगर आपका राउंड फेस है तो आप इस तरीके का हेयर स्टाइल रखिए कुछ अपने बालों पे, और कोशिश कीजिए कि आपका फोरहेड जो है वो काफ़ी हद तक कवर हो जाए स्पेशली राउंड फेस के लिए। ओके, तो इस तरीके का हेयर स्टाइल आप कर सकते हो राउंड फेस वालों के लिए। एंड थर्ड होगा, आप सबसे अच्छा रहेगा राउंड फेस का क्या होता है, हमारे ये चीज़ एरिया थोड़ा सा चौड़ा होता है एंड बहुत हैवी दिखता है। तो उसके अगर आप पफ करते हो तो आपका राउंड फेस ऑटोमेटिकली थोड़ा सा कट हो जाता है, काफ़ी प्यारा लुक आता है। मेरा भी हल्का फुल्का राउंड फेस है, तो मैं इस तरीके से हमेशा रखती हूँ अपने बाल, तो काफ़ी अच्छा लुक आता है। इसके बाद आप उससे थोड़ा सा साइड बैंग्स निकाल सकते हो इस तरीके से, तो ये भी काफ़ी अच्छा लगता है राउंड फेस पे, और इस तरीके का हेयर स्टाइल आप रख सकते हो राउंड फेस के लिए। ओके, तो ये तो बात होगी हमारा साइड पार्टीशन के लिए। अगर आप राउंड फेस करते हो तो आप इस तरीके का हेयर स्टाइल कर सकते हो राउंड फेस पे, पफ बना के साइड बैंग्स कट कीजिए, काफ़ी प्यारा लगेगा। एंड जितना हो सके आप बालों को आगे की तरफ रखिए, जिससे कि आपका जो लुक है वो काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो ये वाला मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे फेस पे, क्योंकि मेरा भी राउंड है एंड अभी भी थोड़ी पतली हो गई, थोड़ा सा लॉन्ग टाइम हो गया, बट मेरा फेस राउंड था पहले। तो अगर आप लंबे टाइम से देख रहे हो तो आप देख सकते हो मेरे वीडियो में जाके मेरे फेस का शेप कैसा था। एंड अभी भी अगर इस तरीके से राउंड फेस है तो राउंड फेस वालों को ये वाला हेयर स्टाइल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं राउंड फेस की, तो इस तरीके से पफ बना के साइड बैंग्स निकालो तो राउंड फेस काफ़ी अच्छा लगेगा। अब बारी आती है अगर आपको बीच की पार्टीशन रखनी है एंड आपका राउंड फेस है, तो आपको कैसे हेयर स्टाइल करना है एंड बन कैसे बनाना है। तो बीच की पार्टीशन पे मान लीजिए हमने बीच की पार्टीशन कर ली, अगर इसको मैंने पहले बताया, अगर आप बिल्कुल फ्लैट रखोगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको बीच की पार्टीशन करनी ही है तो आप कुछ इस तरीके से करोगे, यहाँ से कुछ ब्राउन एरिया के पास से बालों को ऐसे ले लेंगे। मैं अभी पूरा पूरा हेयर स्टाइल नहीं बता रही हूँ आपको, जो अच्छा लगे आप उस तरीके से पिन से सिक्योर करके रख लीजिएगा, वैसे आप बना सकते हो। तो अगर आपका राउंड फेस है, आपको सेंटर पार्टीशन करनी है, तो आप कुछ इस तरीके से हेयर स्टाइल कीजिए, और यहाँ पे थोड़ा सा पफ निकाल लीजिए एंड फिर सेंटर पार्टीशन करिए। लेकिन सेंटर पार्टीशन को भी आप फोरहेड की तरफ, माथे की तरफ बालों को झुकाएंगे एंड फिर आप इस तरीके से रखोगे, तो इससे आपका जो राउंड फेस है वो काफ़ी हद तक कट होगा और काफ़ी अच्छा लुक आएगा। तो इस तरीके से आगे की तरफ पुल करके एंड फिर राउंड फेस पे इस तरीके से सेंटर पार्टीशन कर सकते हो, तो ये भी काफ़ी अच्छा लगेगा। इसमें भी आप बालों को फ्रंट की तरफ रखिए एंड राउंड फेस के लिए बेस्ट है ये वाला भी हेयर स्टाइल। तो चलते पाँचवें हेयर स्टाइल की तरफ, अगर आपका फेस राउंड है एंड आपको पोनी बनानी है तो आप कैसे करोगे। तो पोनी बनानी है तो सबसे पहले आप बालों को इस तरीके से फॉर्म कर लीजिए। कभी भी अगर आपका राउंड फेस है और आपको पूरा इस तरीके से पीछे की तरफ बाल रखना है, तो आपको करना क्या है वो मैं बता दूँ। कभी भी बहुत ज़्यादा फ्लैट लुक अपने बालों को मत दीजिए,
मान लीजिए आपका राउंड शेप है, आपने इस तरीके से कोनी बनानी है, तो ऐसे नहीं बनाना है। ऐसे बनाओगे तो क्या होगा कि आपका फेस जो है पूरा बड़ा दिखेगा एंड आपके बाल बिल्कुल चिपके चिपके से लगेंगे। तो राउंड फेस पे अगर आपको कोनी बनानी है तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो। इसके साथ ही मैं एक टिप बता दे रही हूँ आपको, इस तरीके से आपने कोनी तो बना ली इससे, लेकिन आपका फेस बहुत हैवी दिखेगा। तो आपको थोड़ा सा अपने क्राउन एरिया पर बालों को खींचने की जरूरत है, जिससे कि आपके क्राउन एरिया पे थोड़ा सा हैवी में हैवी लुक दिखे एंड बाल थोड़े से फेस आपका कट हो, साइड से फ्लिप्स जरूर देना। तो आप राउंड फेस पे इस तरीके से कोनी तेल बना सकते हैं, तो इससे थोड़ा सा आपका जो फेस का लुक है वो अच्छा दिखेगा एंड बिल्कुल फ्लैट नहीं लगेगा, है ना। तो अगर आपको राउंड फेस पे बन बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, उसके लिए आपको क्या करना है, एक तो आप हाई कोनी टेल के साथ बना सकते हो, सॉरी हाई बन के साथ बना सकते, सॉरी हाई पफ के साथ अपना बन बना सकते हो, हाई बन। एंड अगर आपको लो बन बनाना है तो आप इस तरीके से सेंटर पार्ट इसमें करेंगे। हाई बन की बहुत सारी वीडियो मैंने डाली है राउंड फेस के साथ, तो आप वो जाके चेक कर लीजिएगा एंड पतले हल्के बालों के साथ भी डाली हुई है। तो इस तरीके से तो आपको रखना ही रखना है, फिर सारे बालों को एक साथ ले लेंगे, हो सके तो आप वैक्स कट करके रखिए अगर आपकी राउंड फेस है, फिर जैसे मैंने कट किया हुआ है। इसकी फुल डिटेल वीडियो अपलोड की हुई है, आप उस तरीके से भी कट कर सकते हो। इस तरीके से आपको बालों को पूरा ले लेना है एंड मैं यहाँ पे स्क्रंची लगा रही हूँ, आप रबड़ लगा लीजिएगा। अब आपको क्राउन एरिया के हेयर को इस तरीके से खींचना है, थोड़ा सा हैवी लुक आ जाए एंड बैंक्स को निकाल लेना है, और फिर आप अपना बन कंप्लीट करते हो। सेंटर पार्टीशन के साथ ऐसे आप पोनीटेल बना सकते हो राउंड फेस पे। और अगर आपको राउंड फेस पे बन बनाना है तो इस तरीके से डोनट बन ले सकते हो, ओके। और अपने बालों को अच्छे से इस तरीके से डोनट बन पे को लाइट करते हुए एक बन क्रिएट कर देना है, जैसे आपको इजी लगे उस तरीके से बन बना सकते हो। पिन के साथ सिक्योर कर लेंगे, यूपिन अच्छे से लगा लीजिएगा। बनाओगे उतना आपके राउंड फेस पे अच्छा लगेगा, इसके लिए आप ओवर बना लीजिएगा। इसके साथ आप आर्टिफिशियल हेयर आते हैं उसको हेयर का जुड़ा आता है वो भी ऐड कर सकते हो एंड इस तरीके से आप राउंड फेस पे अपना बन बना सकते हो। अगर आपका राउंड फेस और आपको बन बनाना है, सबसे पहली बात आपका राउंड एरिया पे बहुत फ्लैट लुक मत दीजिए और साइड से बैंड्स जरूर हो जाते हैं, कोशिश के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो क्लिप से आपके फेस पे गिरे उससे आपका जो लुक है वो काफ़ी अच्छा दिखेगा एंड फेस को अच्छा सा कट लीजिएगा। तो ये थे आज के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि राउंड फेस के लिए बेस्ट रहेंगे। अगर आपका भी राउंड फेस है और आपको नहीं समझ में आता है कि आपको कैसे करना चाहिए हेयर स्टाइल, तो आप इस तरीके के सारे हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो चैनल पे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लिया, और नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो राउंड फेस वाले इस वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए और ट्राई कीजिए।